Bismillahirrahmanirrahim. I am Shamsul Haq, lecturer in the Department of English, Islamabad College for Boys, G63 Islamabad. Today, I am going to record lecture number 14 for second year English. The title is Archaeological Treasures of Pakistan. Archaeology basically branch hai anthropology ki, the branch of anthropology that studies prehistoric people and their cultures through their material remains. Yani jo prehistoric log hain, history jab se record hona shuru hui hai usse pehle ke jo log hain unki jo मादी शक्ल में हमारे पास वाकयात मौजूद हैं उनको स्टडी करके फिर उन लोगों के कल्चर के बारे में हम अपनी जो राय बनाते हैं उसको पढ़ते हैं परखते हैं दैट कम्स इन द डोमेन ऑफ आर्कियोलॉजी। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी के खजाने मौजूद हैं उनको मौजूए बहस बनाया गया है। First of all, we are going to have a glance at the summary of this chapter. And the summary is, this chapter is having these six important points. The first one is history of civilization. The chapter tells us that how we can trace the symbols, the various remains of civilization from the area over where we are living right now, that is Pakistan. And when we look into archaeological treasures, we find that Taxila, the center of Buddhist civilization, is over here. Then comes the city Mohenjo-Daro and Harappa. These cities were the centers of Indus Valley civilization. Then comes Debal, where the first Muslim Muhammad bin Qasim came in 1712. Then we see some Iranian influence on the culture of the subcontinent, and then come the Mughals. Aur Mughals ka jo hai wo jo us waqt ki unki tamirat jo architecture tha kyunki wo abhi bhi hamare paas bahut achhi halat mein maujood hai जिनमें उनके फोर्ट्स हैं मॉस्क्स हैं टॉम्स हैं तो हम उनसे जो है वो मुगल्स की तारीख को पढ़ सकते हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन के मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के जो सेंटर्स हैं हम इस चैप्टर के अंदर इनको देखेंगे डिटेल में देखेंगे। ये हमारे पास इस वक्त उनकी एक समरी मौजूद है जो अभी हम देख रहे हैं। तो इस समरी के बाद हम डायरेक्ट जो है वो बुक रीडिंग पे जाएंगे। वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इन टू पार्ट्स। वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट टू पेजेस, इन एसेंस पेज 231 एंड 232 इन दिस लेक्चर, एंड द रिमेनिंग थ्री पेजेस 233, 234 एंड 235 विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो let's go towards reading. Archaeological treasures of Pakistan. The archaeological treasures of Pakistan are not only rich and varied, na sirf ye bade zarkhez hain balki mukhtalif bhi hain, mukhtalif tanawwu ke hain, varied. But some of these are highly important to the history of civilization. Yani na sirf ye bahut zarkhez hain, ye ek dusre se mukhtalif hain, balki
इनकी एक क्वालिटी पाकिस्तान के जो आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स हैं वो ये भी है कि ये अगर हम तहजीबों की तारीख को पढ़ें तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एज समटाइम्स हैपन्स वैल्यूएबल मोन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स हैव सफर्ड फ्रॉम निगलेक्ट और वेंडलिज्म। ऐसा हुआ है कि जितनी भी ये कीमती हमारी यादगारें हैं और जो भी ये कीमती बाकियात हैं इनको कोताही की वजह से, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से ये तबाह हुई हैं। बट इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन अ राइजिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड वैल्यूएबल वर्क इज स्टडीली गोइंग ऑन। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस मौजू पे अच्छी खासी जो है वो तहकीक की गई, इस पे अच्छा खासा जो है वो इसमें दिलचस्पी जाहिर की गई और अभी भी कुछ अहम काम जो है वो इसमें जारी और सारी है। नो डाउट द बेस्ट नाउन ऑफ ऑल पाकिस्तान्स आर्कियोलॉजिकल सेंटर्स इज दैट ऑफ टेक्सला। अगर हम पाकिस्तान में आसारे कदीमा के जो जो बाकियात हैं उनका जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा जो जानी पहचानी जगह है वो टेक्सला है। टेक्सला जो बुद्धिस्ट तहजीब का मरकज़ था, ये पाकिस्तान में जितनी आसारे कदीमा की बाकियात हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। अबाउट 30 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ रावलपिंडी, रावलपिंडी से ये शुमाल मगरब में कोई 30 किलोमीटर है। इट इज सेलिब्रेटेड नॉट ओनली फॉर द रिचनेस ऑफ व्हाट इट हैज यील्डेड बट फॉर इट्स एसोसिएशंस विद अलेक्जेंडर एंड विद अशोका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ एंटिक्विटी इन द सब कॉन्टिनेंट। टेक्सला जो है ये सिर्फ आसारे कदीमा की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी शोहरत की एक वजह इसकी जो है वो सिकंदर आजम और अशोका द ग्रेट के साथ भी इसकी एक निस्बत है, जो कि तारीख के, सब कॉन्टिनेंट की तारीख के दोनों बड़े नाम रहे हैं। तो इसकी उनके साथ भी एक एसोसिएशन जो है वो अटैच है, इसलिए टेक्सला की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। देयर आर 4 साइट्स एट टेक्सला विच बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एंड द सीट ऑफ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी। टेक्सला में 4 मकामात हैं जो कि बुद्ध मत तहजीब जो है उसका मरकज भी हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी हैं। ऑलरेडी अ थ्राइविंग सिटी व्हेन अलेक्जेंडर केम इन 325 बिफोर क्राइस्ट, टेक्सला पास थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस। सिकंदर आजम के आने से पहले, सिकंदर यहाँ पे 325 जो बिफोर क्राइस्ट इरा है उसमें यहाँ आया, और उस वक्त भी टेक्सला जो है ये एक बड़ा जानदार, बड़ा लाइवली सिटी था। टेक्सला पास थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंजेस, और अलेक्जेंडर के आने के बाद टेक्सला जो है वो कुछ गैर मामूली तब्दीलियों से गुजरा। आफ्टर अलेक्जेंडर चंद्रगुप्ता सेट अप द मौर्यन एम्पायर इन इंडिया एंड हिज ग्रैंड सन अशोका हु लेटर एस्टेब्लिश्ड बुद्धिज्म थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट वेंट देयर। सिकंदर आजम के बाद टेक्सला में चंद्रगुप्ता ने जो है वो मौर्यन सल्तनत की बुनियाद रखी, और चंद्रगुप्ता के बाद जो उसका पोता था जिसका नाम अशोका दी ग्रेट है, उसने यहाँ पर बुद्धिज्म की, बुद्ध मत जो मजहब है, उसको परवान चढ़ाया और सब कॉन्टिनेंट में बुद्ध मत की बुनियाद रखने वाला अशोका था, और उसने टेक्सला को
जगह के तौर पे जो है वो मुंतहिब किया, अलेक्जेंडर सॉरी अ थर्ड टेक्सला नाउ नोन एज सिरकूप वॉज बिल्ट बाई स्किथियन इन्वेडर्स हु फॉलोड द मौरियन डायनेस्टी। और फिर मौरियंस के बाद जब मौरियन सल्तनत ख़त्म हुई तो उसके बाद यहाँ स्किथियन हमलावर आए, और उन स्किथियन जो हमलावर थे जो फातहीन थे उन्होंने इस जगह को फतह किया। फिर उन्होंने एक नए टेक्सला की बुनियाद रखी जिसे सिरकूप कहा जाता है। तो इसकी बुनियाद रखने वाले जो है वो स्किथियंस थे। तो हमें टेक्सला के बारे में जो तीन चीज़ें पता चलती हैं वो ये हैं कि एक तो अलेक्जेंडर के आने से पहले 325 बिफोर क्राइस्ट में जब सिकंदर आजम यहाँ आया तो उस वक्त भी टेक्सला एक वेल बिल्ड सिटी था। आफ्टर अलेक्जेंडर चंद्रगुप्ता जिसने मौरियन एम्पायर की बुनियाद रखी उसने टेक्सला को एक बड़ा शहर बनाने में एक मरकज बनाने में अपना किरदार अदा किया। फिर उसका जो पोता था जो अशोका द ग्रेट था उसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी एंड देन केम स्किथियन इन्वेडर्स, उन्होंने फिर मजीद यहाँ पे जो है वो सिरकूप बनाया जो टेक्सला जिसको तीसरा टेक्सला कहा गया है। तो ये तीन चार मुख्तलिफ आप कह लें कि डायनेस्टीज थीं, तीन चार मुख्तलिफ एम्पायर्स थीं कि जो टेक्सला में मौजूद रहीं। वन ऑफ द स्पेशल मेरिट्स ऑफ व्हाट हैज बीन डिस्कवर्ड एट टेक्सला इज दैट यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स आर्टिस्टिक प्रेयर। टेक्सला की एक जो बड़ी खूबी है वो ये है कि इसने जो दुनिया में जो आर्ट था आर्टिस्टिक जो प्रेयर्स थे उसमें अपना एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट किया, और वो था द आर्ट ऑफ गंधारा अ स्प्लेंडेड फ्यूजन मिक्सचर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट विद मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस। और ये जो गंधारा था ये एक तो बुद्ध मत तहजीब और दूसरा जो बहिराए रूम की तहजीब थी उनके फनून का एक मिलाप था एक मिक्सचर था। तो टेक्सला की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने दुनिया को एक आर्टिस्टिक टच दिया एक 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 आर्टिस्टिक ट्रेयर दिया, और वो गंधारा और रोमन जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज थी उनका एक फ्यूजन था। प्रोड्यूसिंग अ स्टाइल ऑफ ग्रेट वर्थ टू बी फाउंड नोवेयर एल्स, और इसने एक ऐसा जदीद तरीका इंट्रोड्यूस कराया जो कि दुनिया में और कहीं नहीं था। गंधारा इज द नेम ऑफ द एरिया अराउंड पेशावर विच बिकेम पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। गंधारा पेशावर के इर्द गिर्द का वो इलाका है जो कि बुद्ध मत के साथ जो मजहब था बुद्ध मत उसके साथ डीपली अटैच था उसके साथ कनेक्टेड था। एस्पेशली बाय रीजन ऑफ द वर्क इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑफ बुद्ध स्कॉलर्स हु प्रिपेयर टेक्स्ट एसोसिएटिंग लोकल साइट्स विद प्रीवियस इनकार्नेशन ऑफ द बुद्धा। और ये जो पहली सदी ईस्वी के बुद्ध स्कॉलर्स थे जिन्होंने यहाँ की टेक्स्ट को यहाँ की जो राइटिंग्स थी इनको बुद्ध की जो पुरानी राइटिंग्स थी उनके साथ मिला के जो है वो एक एक, एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया। दिस गेव वे अ सेक्रेड character to the region and a great expansion of religious activity which come to the invasions of the white Huns in the 5th century. This gave a sacred character, sacred muqaddas to the region. यानी इस काम की वजह से
इस रीजन को एक एक मुकद्दस मकाम हासिल हो गया, एंड अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, और इसकी वजह से जो है वो यहाँ की जो मजहबी सरगर्मियाँ थीं वो भी बढ़ी, उनको भी एक वसत हासिल हुई, विच कम टू द इन्वेजन ऑफ वाइट हंस इन द 5th सेंचुरी AD। और जब 5th सेंचुरी में वाइट हंस ने यहाँ पर इन्वेजन की, तो उसके सामने जो है ये ना ठहर सकी, ये उसके सामने जो है वो आप कह लें कि सरनगूं हो गई, उसके सामने इन्होंने अपनी मात तस्लीम कर ली। यानी 5वीं सदी तक ये यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी की वजह से, रिलीजियस एक्सपेंशन की वजह से इस रीजन को वाइट हंस के आने से पहले तक एक बड़ा या आम जो मकाम है वो हासिल रहा। और 5वीं सदी में जब वाइट हंस ने यहाँ पे आके इन्वेड किया, तो उसके बाद इस सल्तनत को जवाल आया। नेक्स्ट, परहैप्स इन फेम बट सर्टनली नॉट इंफीरियर इन इम्पोर्टेंस। अच्छा, इससे पहले जो पैराग्राफ था उसमें हमने टेक्सला को डिस्कस किया। टेक्सला के साथ जो तीन चार चीज़ें अटैच थीं, एक तो ये था कि अलेक्जेंडर के आने से पहले टेक्सला एक थ्राइविंग सिटी था, अलेक्जेंडर, फिर चंद्रगुप्ता, उसके बाद अशोका, और फिर स्किथियंस जो इन्वेडर्स थे उन्होंने यहाँ पे अपनी अपनी हुकूमत की। उसके बाद टेक्सला की जो इम्पोर्टेंट जो इसकी वजह शोहरत है वो इसका आर्ट था, गंधारा आर्ट था, जो कि 5वीं सदी ईस्वी में वाइट हंस की इन्वेजन तक जो है वो मौजूद रहा, बरकरार रहा। नेक्स्ट, परहैप्स इन फेम बट सर्टनली नॉट इन्फीरियर इन इम्पोर्टेंस इज मोहनजोदाड़ो, अबाउट 60 माइल्स फ्रॉम सक्कर इन सिंध। दूसरा जो खजाना था वो, अगरचे वो भी किसी सूरत में इस पहले वाले से कम नहीं था, वो है हमारे पास मोहनजोदाड़ो की तहजीब, जो कि सिंध के शहर सक्कर से कोई 60 किलोमीटर के फासले पे है। मोहनजोदाड़ो इज ओनली वन बट अनडाउटेडली द बेस्ट नाउन ऑफ द साइट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट इज नाउ रेफर्ड टू एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो दरिया सिंध की तहजीब है उसकी रिमेन्स में से सबसे बेहतरीन, सबसे मशहूर जगह है। दिस एंशियंट क्रेडल ऑफ सिविलाइज मैन गोज बैक अबाउट 5,000 ईयर्स टू द सेकेंड एंड थर्ड माइलेनिया बिफोर क्राइस्ट, एंड इज देयर फोर कॉन्टेम्प्रेरी विद द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ मेसोपोटामिया विद विच इट इज ऑफन कंपेयर्ड। ये जो वादी सिंध की तहजीब है यह तकरीबन 5,000 साल पहले से है, और 3,000 साल कबले मसीह तक ये जाती है, और ये उस वक्त की जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, उसके बराबर की एक सिविलाइजेशन थी। द डिस्कवरी इज अ कंपैरेटिवली रिसेंट वन एंड इज ड्यू टू द वर्क ऑफ सर जॉन मार्शल, हुज इंटरेस्ट वाज अराउज्ड बाय द डिस्कवरी एट हड़प्पा इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट नाउ साहिवाल ऑफ सम सील्स ऑफ अपेरेंटली प्री हिस्टोरिक रीजन। ये जो दरियाफ्त थी मोहनजोदाड़ो की, बेसिकली ये सर जॉन मार्शल को हड़प्पा के मकाम पे, जो कि हमारा इस वक्त का साहिवाल है पंजाब में, हड़प्पा के मकाम पे उसे कुछ मोहरें मिली थी पुरानी, और उन मोहरों की वजह से जो कि कबले मसीह की तारीख से जिनका ताल्लुक था उससे रिलेटेड थी, उन मोहरों की वजह से उसको जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, और फिर उसके इंटरेस्ट बढ़ने के नतीजे में जो है वो हम हड़प्पा, हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो की जो तहजीब है और ये जो शहर है इसको खोदने में या उसको फाइंड करने में कामयाब हुए। इन 1922 एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड सम मोहनजोदाड़ो
sorry, some similar seals were investigating a Buddhist stupa of the Kushan period at Mohenjo-daro. Stupa एक डूम टाइप की, जैसे हमारे यहाँ मकबरे बनाए जाते हैं, इस अंदाज की बिल्डिंग है. तो 1922 में जो इंडियन आसार कदीमा के डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक ऑफिसर को जो है वो कुछ मोरें मिली जो कि एक बुद्धिज़्म के स्तूपा में से निकली थी कुशन पीरियड के, और इससे इन द फॉलोइंग पीरियड ये मोहनजोदड़ो से मिली थी. इन द फॉलोइंग ईयर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वर कैरिड आउट, और उसकी वजह से जो है वो आने वाले सालों में मजीद कुछ तफ्तीश या तहकीकात जो हैं वो शुरू हो गई. यानी 1922 में जो इंडियन जो आसार कदीमा के एक ऑफिसर को मोहनजोदड़ो के मकाम से जो कुछ पुरानी मोहरें मिली थीं उसकी वजह से मजीद जो तहकीक है उसका सिलसिला शुरू हुआ. द रिजल्ट्स वर नॉट unduly interesting, but Marshall was sufficiently convinced of the substantial nature of his suspicions to carry on the work under his own direction during the following years and with most rewarding consequences. The results were not unduly interesting. अगरचे इसके जो नतीजे थे वो कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस नहीं थे, लेकिन मार्शल इतना मुतमईन था, इतना कन्विंस था कि अगर यहाँ पे मज़ीद कोई तहकीक की जाए तो हमें बहुत से पुराने जो ख़जाने हैं, बहुत से जो आर्कियोलॉजिकल ट्रेयर्स हैं वो मिल सकते हैं. इसलिए उसने इस काम को जारी रखा, और फिर आने वाले वक्तों में जो है ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स एंड विद मोस्ट रिवॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस उसे बहुत जो है वो अच्छे नतीजे मिले इसके. तो अभी तक हमने इस लेक्चर के अंदर दो सिविलाइजेशन के रिमेन्स को डिस्कस किया है. उनमें से जो पहला है वो है गंधारा जो तहजीब है उसका, बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का जो मरकज था गंधारा आर्ट का वो हमने डिस्कस किया जो कि टेक्सला था, और दूसरा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है वो डिस्कस किया है जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मकाम पे थी. तो ये लेक्चर हम यहाँ एंड करेंगे. इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.